अनिल देशमुख द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से मुझ पर अजीत पवार, अनिल परब और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफिडेविट करने को लेकर दबाव डाला था। साथ ही वे बोले कि मैंने जो भी कहा है उसके सबूत मेरे पास पेन ड्राइव में है, मैं बिना सबूत के ऐसी बात नहीं करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए, मेरे ऊपर दबाव ला के देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ मैं एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैं झूठा एफिडेविट करने के बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है, और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेताओं के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है, वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है, मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उन्होंने उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, मेरा उनको आह्वान है।